त्रिफला यानी तीन फलों का मिश्रण जो है हरड़, बहेरा और आंवला। यह तीनों फल शरीर में उपलब्ध वात, पित्त और कफ को बैलेंस करते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। इन तीनों का मिश्रण एक अद्भुत रसायन है जो प्राचीन काल से ही मानव द्वारा उपयोग किया जाता है। यह किन किन रोगों में उपयोग होता है चलिए जानते हैं। यह पाचन संबंधी रोगों को ठीक करने में बहुत ही शक्तिशाली है। यह कब्ज, गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, अपचन आदि में बहुत ही लाभकारी है। यह दृष्टि दोष को सही करने में बहुत ही मददगार है। इसका पाउडर रात को भिगो दे, सुबह बारीक कपड़े में छानकर इससे आंखों को धो लीजिए। यह धीरे धीरे आपकी नेत्र ज्योति बढ़ाएगा। यह रक्त की कमी को पूरा करने और साथ ही साथ रक्त को साफ करने में भी मदद करता है। यह त्वचा संबंधी रोगों को भी ठीक करने में बहुत ही मददगार है, जैसे फोड़े, फुंसी इत्यादि। यह बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, यानी कि हेयर फॉल या समय से पहले बालों का सफेद होना, इन सभी में यह बहुत ही लाभ पहुंचाता है। यानी कि इससे हमारा हेयर फॉल बहुत रुक जाएगा और समय से पहले बाल सफेद नहीं होंगे। यह लीवर और हार्ट रिलेटेड रोगों को ठीक करने में भी बहुत ही मददगार है। इसके उपयोग से मोटापा कम होता है, यानी कि हमारे मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है। इसके साथ साथ जो लोग हेल्दी हैं वह भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसका उपयोग करने से शरीर शक्तिशाली बनता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी इम्यूनिटी का भी विकास होता है। अब दोस्तों जानते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या है। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। आप मार्केट जाइए और हरड़, बहेड़ा और आंवला ले आइए। अब इसको कितना मिक्स करना है, कैसे मिक्स करना है वो जानते हैं। हरड़, बहेड़ा और आंवला इन तीनों की बराबर क्वांटिटी लीजिए और उसे मिक्सी में बारीक पीस के इसका चूर्ण तैयार हो जाएगा। यह है हमारी पहली विधि। दूसरी विधि क्या है, इसमें हरड़ 1:1, बहेड़ा 2:2 और आंवला 3:3 लेंगे। यानी कि हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम और आंवला 300 ग्राम, इन तीनों को मिक्स कीजिए और ये आपका अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करके यह भी आपका चूर्ण तैयार हो गया। ये दोनों ही दोस्तों लाभकारी हैं। कई ग्रंथों में, कई बुक पुस्तकों में आपको इक्वल क्वांटिटीज मेंशन किया गया है, परंतु कुछ बुक्स में इसका 1:2:3 मेंशन किया गया है। मेरे मुताबिक हमको 1:2:3 में जाना चाहिए जो ज़्यादा लाभकारी है। दोस्तों ये तो था इसका बनाने की विधि। आप इसको पाउडर फॉर्म में लीजिए, लेकिन जिन लोगों को पाउडर नहीं खा सकते वो मार्केट से इसकी टैबलेट्स भी लेके खा सकते हैं। अब बात आती है इसको खाना कितना है। दोस्तों जिन लोगों को कुछ भी पेट से जुड़ी समस्या है, यानी कि कब्ज रहती है, एसिडिटी रहती है, और आपका गैस बनती है, कुछ भी पाचन संबंधी रोग है, या किसी भी रोग को ठीक करने के लिए अगर हम त्रिफला का सेवन करते हैं तो क्या करना है दोस्तों, रात को सोने से पहले गुनगुना पानी या गुनगुने दूध के साथ इसका सेवन करें। सेवन कितना करना है, 1 छोटी चम्मच। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन रहता है तो थोड़ी बहुत मात्रा आप इसकी और बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं यानी कि हेल्दी हैं और वो चाहते हैं कि उनको पोषण मिले, उनको शक्ति मिले, तो वह सुबह को खाली पेट गुड़ के साथ या शहद के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। सेवन की मात्रा उतनी ही रहेगी, यानी कि कितना, तकरीबन 1 छोटा चम्मच त्रिफला का वो सेवन करें और साथ में गुड़ और शहद ले लें। ये था मॉर्निंग में सेवन करने की विधि और रात में सेवन करने की विधि। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, वो है सावधानियाँ।
सावधानी यानी कि यह किन किन को नहीं लेना है। तो पहला केस आता है जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको त्रिफला का सेवन नहीं करना है। दूसरा, जो बच्चे छोटे हैं 4-5 साल तक के बच्चों को भी त्रिफला का सेवन नहीं कराना चाहिए। और तीसरा, जिनका पेट या डाइजेशन बहुत ही नाजुक है यानी कि आते बहुत ही कोमल है, कुछ भी वो खाते हैं तो उनको अक्सर लूज मोशंस होते हैं या तुरंत आपको टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। इन तीनों अवस्थाओं में हमको त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। रीज़न एक है, यह विरेचक प्रॉपर्टी का होता है यानी कि यह हमारे शरीर से मल को निष्कासित करता है, बाहर निकालता है। दोस्तों, इस वीडियो हमने ले जाना कि त्रिफला के क्या क्या पार्ट्स हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं, इसको किस तरीके से बनाया जाए, इसकी सेवन की विधि क्या है और इसमें हमको क्या क्या सावधानियां रखनी है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जैसे ही कुछ अच्छा वीडियो बने आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।